हेलो बच्चों, रेडियस क्लासेस 247 में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आशा करता हूँ कि आपका स्वास्थ्य भी बहुत ही अच्छा होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बच्चे पढ़ने वाले हैं कि दो से तो पहले पढ़ लिए थे, तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि तीन से कोई भी संख्या कैसे विभाजित होगा, कैसे हम देख कर सिर्फ पता कर सकते हैं कि ये संख्या हमारा जो दिया हुआ है वो तीन से पूरी तरह से कट जाएगा, उसको डिवीजन करने का जरूरत नहीं है। कितना भी बड़ा संख्या दे दिया जाए उसको हम लोग सिर्फ देख करके या तो थोड़ा कैलकुलेशन मन में करके हम पता लगा सकते हैं कि वो आपका डिविजिबल है कि नहीं थ्री से। तो आइए चलते हैं, इसका पहले नियम देखते हैं, उसके बाद हम लोग इसको धुआंधार कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले देखिए यहां पे क्या लिखा है कि तीन से विभाज्यता के नियम यानी कि डिविजिबिलिटी रूल फॉर थ्री। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग तीन से विभाजित होता है तो वह संख्या पूर्ण रूप से विभाजित होगा। यानी कि इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय थ्री देन द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय थ्री। कहने का मतलब क्या हुआ, अभी आपको यह समझाते हैं क्या है। यहाँ पे देखिए आपका एक नंबर दिया हुआ है, इसको देख करके आपको करना है कि तीन से डिविजिबल है कि नहीं, सिर्फ देख करके टिक लगाना है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इसको डिवीजन करोगे तो थोड़ा लंबा टाइम लेगा, तीन से डिवाइड करके चेक करोगे कि इसका रिमाइंडर जीरो आता है कि नहीं। तो इसको ऐसे नहीं करना है, आपको करना क्या है, बस इसको यहाँ से देखिए कैलकुलेट करके जोड़ देना है। इसको आपको क्या कर देना है, सबको जोड़ देना है। अगर इसको आप जोड़ते हैं बच्चे तो यहाँ पे आपका है चार तीन सात, चार 11 और एक 12, यानी कि टोटल कितना आ गया, 12 आ गया। 12 को अगर देखा जाए तो तीन से डिवाइड करते हैं तो आपको चार मरतब ये कट जाता है। अब यहां इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 12 तीन से डिविजिबल हो गया तो ये पूरा का पूरा संख्या भी डिविजिबल होगा। सिर्फ अभी के लिए मैं आपको चेक करके दिखा देता हूं कि जैसे ये तीन से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं। आप सिंपल अगर तीन से करते हो, थ्री वन जा थ्री हो गया, वन थ्री, थ्री फोर जा ट्वेल्व, देन आफ्टर वन फिर ओके 14 आ गया। तो यहाँ से आपको देखोगे थ्री फोर जा 12 और यहाँ पे बचेगा 2, 21 है तो 3 7 जा 21। कितना भी बड़ा संख्या रहे जिसका अगर सम देख लेते हैं कि तीन से डिविजिबल हो जा रहा है तो वो संख्या पूरा का पूरा क्या होगा, तीन से डिविजिबल होगा। आप इसको भी चेक कर सकते हैं कि तीन से डिविजिबल है कि नहीं। आपको क्या करना है, सिंपल इसको दोनों को जितने भी इसके डिजिट्स हैं सभी को आप ऐड कर लो, जैसे 6 6 12 और ये 0 है तो 12 ही रहेगा। इसको आप देख सकते हो तीन से डिविजिबल है तो यहाँ पे तीन से भाई डिविजिबल है तो ये पूरा का पूरा संख्या भी डिविजिबल होगा। तो अगर ये नियम समझ में आपको आ गया बच्चे तो ये आपके लिए होमवर्क है कि आप चेक करोगे कि ये तीन से डिविजिबल है कि नहीं और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखोगे। आई होप आपको ये नियम जो है कि तीन से डिविजिबिलिटी का नियम आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही और छोटे छोटे ट्रिक और छोटे छोटे नियम चाहते हैं तो इस चैनल को 2 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।